इंडिया एक बार फिर से गोलमाल फाइव हमें हंसाने गुदगुदाने को तैयार है। क्या रोहित शेट्टी और अजय देवगन ने इस धमाकेदार फिल्म को फाइनल कर दिया है? क्या होने वाली है फिल्म की खास बातें और अजय देवगन की अपकमिंग फिल्म में कौन सी है? रोहित शेट्टी की सूर्यवंशी बनकर तैयार है दोस्तों। लॉकडाउन खत्म होने का इंतजार है, इसे सिनेमा घरों में ही रिलीज किया जाना है। सूर्यवंशी की रिलीज के साथ ही रोहित शेट्टी ने अपनी अगली फिल्म गोलमाल फाइव पर काम करना शुरू कर दिया है। रोहित शेट्टी ने गोलमाल फाइव की घोषणा पहले ही कर दी थी। वहीं ताजा रिपोर्ट्स की माने तो रोहित फिल्म में बहुत कुछ करने वाले हैं, कुछ चेंजेस लाने वाले हैं। वैसे ये फिल्म हंसाती है, गुदगुदाती है और इसकी अब तक 4 सीरीज आ गई है, किसी में कोई कमी नहीं है, हर सीरीज एक से बढ़कर एक। अजय देवगन और रोहित शेट्टी की बात करें तो इस जोड़ी ने 8 हिट फिल्में साथ दी हैं, जिनमें से 5 फिल्में बैक टू बैक हिट रही। इस जोड़ी की 5 फिल्में 100 करोड़ी क्लब में शामिल हो चुकी है। वहीं गोलमाल सीरीज की अपनी एक अलग फैन फॉलोइंग है और इसका बड़ा इंतजार होता है। एक रिपोर्ट्स की माने तो फिल्म की स्क्रिप्ट के लिए अनीस बज्मी, राज शांडिल्या और फरहाद सामजी को अप्रोच किया गया है। फिल्म को रिलायंस एंटरटेनमेंट के साथ मिलकर रोहित शेट्टी प्रोड्यूस करने वाले हैं। इसमें कोई शक नहीं कि फैंस इस खबर से काफी एक्साइटेड हो जाएंगे। और इसके अलावा आपको बता दें, अजय देवगन की फिल्मों की बहार है आने वाले टाइम पर, बस लॉकडाउन खत्म होने का इंतजार है। वैसे कुछ फिल्में ओटीटी पर भी रिलीज हो सकती हैं। इन फिल्मों में है भूज द प्राइड ऑफ इंडिया, मैदान है जिसमें कि सैयद अब्दुल रहीम पर आधारित ये फिल्म है, और ये फिल्म एक कोच की कहानी है, आपको जैसा कि बताया था, जिन्होंने पूरे देश को एक प्रेरणा दी, इतनी बीमार हालत में भी उन्होंने देश को जिताया था। वहीं एक फिल्म है ट्रिपल आर, जिसमें भी अजय देवगन धमाका मचाने को तैयार है। पैन इंडिया ये फिल्म होने वाली है और इस फिल्म की रिलीज भी पोस्टपोन फिलहाल हो चुकी है, 2022 तक रिलीज हो सकती है। SS राजा मौली की ये फिल्म है और मोस्ट अवेटेड जो फिल्म बनी है, जो और ही अलग लेवल का एक्साइटमेंट लिए हुए है, वो है अजय देवगन की कैथी। जी हाँ दोस्तों, कैथी का जैसे ही अनाउंसमेंट हुई थी तभी से लोगों को इंतजार है इस फिल्म का। फिल्म को रिलायंस एंटरटेनमेंट और ड्रीम वॉरियर पिक्चर्स मिलकर प्रोड्यूस करने वाले हैं। इसके अलावा अजय देवगन की चाणक्य आने वाली है और थैंक गॉड आने वाली है, सिंघम 3 है, लव रंजन के साथ वो आने वाले हैं और गंगूबाई काठियावाड़ी में करीम लाला बनने वाले हैं। मतलब कि अजय देवगन की फिल्मों की बहार है दोस्तों। लेकिन कुछ भी कहिए, गोलमाल जो सीरीज है, गोलमाल 5 अगर आती है तो हमारा मूड को रिफ्रेशमेंट जो देने वाली है ये फिल्म, क्योंकि इस वक्त सभी का मूड आपको पता है कैसा चल रहा है इस कोविड के दौरान, और अभी हमें हंसने गुदगुदाने वाली फिल्मों की बड़ी जरूरत है। आपको इस बारे में क्या लगता है, कितना इंतजार है गोलमाल 5 का, नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और इसी तरह के दूसरे अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करिएगा हमारे चैनल बॉलीक्रास्ट स्टूडियोज को।